वंदे मातरम। मेरा नाम प्रतीक चौधरी है और मैं गुजरात से हूँ। आज से 15 दिन पहले मुझे कमर में दर्द शुरू हुआ और आज से 3 दिन पहले टेलीग्राम मीटिंग में मैंने गोविंद भैया से मेरी तकलीफ़ बताई तो गोविंद भैया ने मुझे घरेलू नुस्खा दिया कमर दर्द के लिए। तो मैंने वो अजमाया। वो नुस्खा था कि सरसों, एक कटोरे सरसों के तेल में 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल के धीमी आंच पर उसे पकाए। तो मैंने उस पकाया और पका के उसमें से लहसुन जब लाल हो जाए तो उसे निकाल ले और निकाल के रख ले। सुबह 2 कली और शाम को 2 कली लहसुन खाए। तो मैंने खाया और खा के लहसुन गुड़ के साथ खाया और गुड़ के साथ खा के ऊपर से दूध पी लिया और जो तेल बचा था उसमें घर के अंदर के सभी गर्म मसाले जो भी हो आपके पास, तज, लौंग, सूंठ, जो भी हो वो कूट के डाला और फिर उसे उस तेल को भी फिर से पकाया और उसे छान के तेल को रख लिया मालिश के लिए। फिर लहसुन सुबह शाम 2 कली लहसुन वो पका हुआ खाया कूट के साथ और ऊपर से दूध पी लिया और शाम को मालिश की मैंने। तो आज 3 दिन हो गए। तो 2 दिन बाद वो लहसुन की कलियां ख़त्म हो गई। तो फिर उन्होंने बताया था कि लहसुन की कली को 2 कलियां दूध में, 1 कप दूध में 2 लहसुन की कली डाल के उसे पकाए और पकाने के बाद मैंने वो लहसुन की कलियां चबा के खा ली और ऊपर से दूध पी लिया। तो आज 3 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं गोविंद भैया को सह दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ। स्वच्छ समृद्ध परिवार, जिंदाबाद, राजीव भाई अमर रहे। जय हिंद।